देखते हैं जय गणेश जय मंगल मूर्ति की तमाम खबरें। तो ग्वालियर में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। जगह जगह पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है, जिनमें से अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विशेष रूप से पंडाल बनाए गए हैं। गणपति बप्पा की मूर्ति आकर्षण का बेहद केंद्र बनी है, जहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। ऐसे तो गणेश उत्सव पर ग्वालियर में कई स्थानों पर गणेश जी की प्रतिमाएं विराजमान है और जो गणपति बप्पा है वो लगातार रिद्धि सिद्धि के साथ अपने विराजमान है, लेकिन ग्वालियर के इस अचलेश्वर महादेव मंदिर के पास जो गणेश जी विराजे हुए हैं, करीब 20 फीट के गणेश जी यहाँ पर विराजमान, इनकी स्थापना की गई है और आइए आपके दर्शन कराते हैं इस विशेष प्रतिमा के, जो कि करीब 18 से 20 फीट ऊंची बनाई गई है। और इस प्रतिमा को देखने के लिए श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ पर जो महिलाएं पुरुष हैं उनकी कतार लग जाती है, और जब जैसे ही सुबह शाम आरती होती है तो लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई, क्या खासियत दिखाई दी आपके दर्शन हो गए? बहुत सुंदर बने, बहुत सुंदर है, मजा आ गया देख करके। हमारे अखिलेश्वर भगवान के इतने अच्छे दर्शन, उनके सामने गणपति जी, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा। रिद्धि सिद्धि में साथ में उनका भी दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पर पीछे चले जावे, हर साल अच्छी बड़ी प्रतिमा प्रतापित होती है, शहर की सबसे बड़ी प्रतिमा होती है और 20 फुट की प्रतिमा है, और इसके मनोहर आकर्षक झांकियां लगती है। साथ साथ में रिद्धि सिद्धि भैया विराजी है, मूसक वाहन विराजे हुए हैं और बाबा अचलेश्वर महादेव कृपा से सब फलों को पूर्ण करती है। सबसे बड़ी मूर्ति है, पिछली बार छोटी मूर्ति थी 10 फुट की, इस बार 20 फुट की मूर्ति बनाई गई है। लोगों की डिमांड थी कि अचलेश्वर मंदिर में हमेशा बड़ी मूर्ति रखी जाती है, तो इस बार बड़ी मूर्ति बनाई। हाँ, यहाँ हर साल होता है तो ऐसा लगता है कि सचमुच गजानन अपने दरबार में आ गए। आकर्षण आप देख रहे हैं, मूर्ति बड़ी है और इस बार लाने में भी बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि जगह गए तार भी नीचे थे, जो मूर्ति 2 घंटे में आनी थी वो 6 घंटे लग गए साहब। तो एक आस्था और विश्वास का केंद्र है जो यहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर के जो रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे हुए गणेश जी हैं, लेकिन जो खल्लासीपुरा की घटना हुई है उससे जो यहाँ के प्रबंधन समिति निर्णय ले रही है कि जो विसर्जन के समय जो प्रतिमा को ऐसे बाजारों में ना ले जाया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि बाजार में ना ले जाते हुए जो शॉर्टेस्ट यानी जो पास वाले रास्ते हैं उससे ले जाएंगे, और सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी खुद की होगी, पुलिस प्रशासन पर और नगर निगम पर उनका कोई खास भरोसा नहीं है, इसलिए वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS News ग्वालियर।